हाय गाइस, वेलकम बैक टू KKM पिक्चर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने खुद का प्रीसेट्स बना सकते हैं लाइटरूम के अंदर में, और अपने फ़ोटो में किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ और कवर करवा दूंगा कि आप किस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं अगर हमें कोई प्रीसेट्स को अगर ऐड करना पेस्ट करना रहता है तो कहीं ना कहीं पहले प्रीसेट्स को ऐड करके उसे कॉपी करना पड़ता था, फिर जाके उसे अपने फ़ोटो में पेस्ट करना पड़ता था। यस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो मैं इसका भी सलूशन आप लोगों के बीच लेकर आ गया। अब आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत मेरे यहाँ सिर्फ वन क्लिक कीजिए, आपका प्रीसेट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो अगर वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर लाइटरूम के अंदर में आप लोग को फोटो ऐड करने नहीं आता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है, इस पर यहाँ प्लस का एक आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ से आपका जितना भी फोल्डर्स होगा फ़ोटो का, वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर खुल जाएंगे, तो यहाँ से आप फोटो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले से ऐड किया हूँ, ऐड नहीं करूँगा अभी। तो ऐड करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से आपको वॉल फ़ोटो पे आपका फ़ोटो रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस पर आप लोगों को प्रीसेट बना के दिखाऊंगा अभी। तो प्रीसेट बनाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे छोटा मोटा एडिट कर लेता हूँ अभी सिंपली। तो सबसे पहले कलर्स पे जाके मैं यहाँ पे कलर्स को मिक्स कर लेता हूँ, एंड इसका जो फेस का थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, एंड इसका जो सैचुरेशन है पिंक को माइनस करते हैं, ग्रीन को भी ह्यू को कर देना माइनस थोड़े से कम, एंड इसे भी थोड़ा सा कम, एंड यहाँ पे करना आपको सिचुएशन को डाउन, एंड इसका सिचुएशन को थोड़ा सा आपको बढ़ा देना, एंड एनिमेशन को आप देख लें एडजस्ट कर लेना है आपको, एंड यहाँ से हम ब्लू इफेक्ट भी सिचुएशन फुल कर देंगे, एंड यहाँ से थोड़ी सी कम, एंड आप यहाँ से अपन फेस का देख सकते हैं सॉरी ये कितना वाइट हो रहा है उस हिसाब से आपको करना है, एंड यहाँ से कर लेते हैं तो इसी और देख लेते हैं ये बेटर, यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद आपको यहाँ से टेम्परेचर थोड़ी माइनस कर लेते हैं, एंडेशन थोड़ी सी बढ़ाते हैं, वाइब्रेशन थोड़ी कम कर देते हैं, एंड टेक्सचर को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंड बिग्निटी को थोड़े से यहाँ पे -46 -50 कर लेते हैं 39, ठीक है। एंड इसके बाद आपको करना है यहाँ पे शार्पनेस को थोड़ी सी फुल कर देना है 86 के परसेंट के आसपास कर दें, एंड यहाँ से आप स्मूथनेस भी कर सकते हैं, एंड इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से प्रीसेट जो है वो बन के, मतलब प्रिंटर रेडी नहीं हुआ, मतलब आपके यहाँ फोटो एडिट का जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कुछ थोड़े मोड़े एडजस्ट कर सकते हैं कलर्स पे। तो इस तरह से आप लोगों को भी कर लेना है। तो सिंपली इतना करने के बाद अब मैं बताता हूँ कि आप लोग प्रीसेट्स किस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। सिंपली इतना करने के बाद आपको यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से कुछ भी आपको यहाँ पे जो है टाइटल का नाम दे देना है। तो मैं इस पर नाम दे देता हूँ येलो टोन, ये यहाँ से कर लेते हैं इसे डन का नाम दीजिए। आप चाहते हैं यहाँ से अपना फोल्डर भी एक बना सकते हैं, मैं इसे क्रिएट न्यू फोल्डर रिसेट कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे देता हूँ पिक्चर, ठीक है। इतना ही मैं कर लेता हूँ डन। डन करने के बाद तो यहाँ से करना है फिर से डन, एंड यहाँ पे आपको रिसेट का नेम एंड फोल्डर नेम भी रेडी हो चुका है। रेडी करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, यहाँ से कर लेना आपको यहाँ पे डन।
रन करने के बाद जो आपका यहाँ पे प्रीसेट जो सेव हो चुका होगा प्रीसेट्स फाइल में, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो एक और प्रीसेट आप लोग बना के दिखा देता हूँ कि येलो टेन हुआ। तो सिंपली इससे कलर पे जाने के बाद इसे मिक्स करते हैं एंड से जो थोड़ी सी ग्रीन करना है इस बार एंड एंड इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट डार्कनेस थोड़ा कर लेते हैं एंड ब्लू डार्क एंड ब्लू इफेक्ट इसमें डाल देते हैं एंड इतना करने के बाद यहाँ से कर ले डन। आ चाहे तो यहाँ पे भी और भी आप कुछ एडिट कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मली इतना ही करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सिंपली इतना करने के बाद फिर से यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना एंड क्रिएट पेस्ट पे क्लिक करना एंड क्रिएट प्रीसेट पे क्लिक करके यहाँ से फिर से इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम दूंगा मैं डार्क एंड ब्लू डार्क एंड ब्लू इसका नाम देता हूँ। यहाँ से कर लेता हूँ डन। डन करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है सेव। सेव ये भी आपका प्रीसेट्स फाइल में जो है सेव हो चुका है। सिंपली आपको मैं ये बताऊंगा कि आप प्रीसेट्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा दो प्रीसेट बन चुका है। आप चाहते हैं बहुत सारे एडिटिंग करके प्रीसेट्स को बना सकते हैं, तो मैं बताता हूँ कि आप अपने फोटो में किस तरह से प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ बाइक एंड अगर आपको प्रीसेट को अगर सेव करना हो तो मैं बता दूँगा प्रीसेट को किस तरह से सेव करते अपने गैलरी में। यहाँ से सेव करने से जो आपको गैलरी में सेव नहीं होगा लाइटरूम के ही अंदर में रहेगा। तो मैं बताता हूँ आपको गैलरी के अंदर में किस तरह से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, वेट करिएगा। खुल जाए भाई ये सॉरी ये ठीक है। तो आपको अगर सेव करना है प्रीसेट्स के फाइल जैसे, तो यहाँ पे शेयर वाला पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है DNG जो दिख रहा है उस पर आपको DNG पे ही रहने देना है। जो पेज जो फोटोज होता है DNG जो है वो आपका होता है प्रीसेट्स का एक फाइल होता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना डन एंड इसको कर लेना है सेव। वेट करना है थोड़ा सा, ये आपका सेव हो चुका है, ठीक है। ये आपका फाइल में सेव हो गया होगा। तो इतना करने के बाद मैं बताता हूँ आपको प्रीसेट्स का किस तरह से आपको लाइक करना है। तो यहाँ से आ जाना है बाइक। बाइक आने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को आपको चूज़ कर लेना है। तो मैं इस फोटो पे मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपको प्रीसेट्स इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो वेट कर लेते थोड़ा सा। ये हो चुका है। इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से एंड आपको जाना नीचे को स्क्रॉल करने के बाद आपको एक प्रीसेट्स को ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक जो हमने अभी फाइल बनाई थी पिक्चर के नाम पे उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं जो मैं पिक्चर बनाया था वो दोनों यहाँ के यहाँ सॉरी जो मैं प्रीसेट्स अभी जो बनाया था वो दोनों यहाँ पे सेव हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड प्रीसेट जो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं आप। एंड तो इस तरह से आप प्रीसेट्स को बना सकते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है डन। डन करने प्रीसेट्स अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि प्रीसेट्स को किस तरह से लाइटरूम के अंदर बना सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो कॉपी एंड पेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग को भी जो है करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ बाइक, यहाँ से फिर से आ जाता हूँ बाइक। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स को ऐड पहले से किया हुआ हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मान लीजिए मेरा ये वाला जो प्रीसेट्स है, इस प्रीसेट्स को अगर मुझे अप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे जाना है एंड यहाँ पे आपको डन करने से क्या था कॉपी हो जाएगा यहाँ पर प्रीसेट। एंड आपको अगर अप्लाई करना हो तो किसी भी फोटो जिस फोटो को आपको अप्लाई करना है उस फोटो को पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे जाके आपको यहाँ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने से आपका प्रीसेट इसमें अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ प्रीसेट्स को ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो इसका लिंक जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने पहले से प्रीसेट्स को ऐड किया, जिस तरह फोटो ऐड करते उस तरह प्रीसेट को भी ऐड किया हुआ, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे प्रीसेट्स को अगर आपको एक फाइल के एक जगह फाइल अगर एग्जिट करना है, एक जगह एक इकट्ठा करना है, तो बताता हूँ आपको आप लोग किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। तो सिंपली जिसको आपको इकट्ठा करना है, मान लीजिए इसको अगर मुझे
एक इसको फाइल बना के इसके डालना है। तो सिंपली इस पर इतना क्लिक करने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट पे एंड क्रिएट पेस्ट पे जाना है। यहाँ से आपको एक फाइल बनाना है। फाइल बनाने के बाद आपको वहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पहले से फाइल बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे के एम पिक्चर के नाम से, ठीक है। सॉरी पहले से नहीं, तो मैं एक और आपको न्यू फाइल बना के यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो इसका जो नाम मैं दे रहा हूँ लाइटरूम प्रीसेट्स, लाइटरूम प्रीसेट्स इसका नाम देख लीजिएगा। तो डन एंड यहाँ से फाइल बन गया। इसका नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो दे दें, यहाँ से कर ले डन, यहाँ से कर दे डन, ये आपका हो गया सेव। एंड सेम इसी तरह आप चाहते हैं इसको अगर एक जगह एग्जिट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्रिएट पेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका भी कुछ नॉर्मल सा नाम दे दें, फाइल चूज कर ले एंड इसे भी कर दें यहाँ से डन। डन करने के बाद यहाँ से सेकंड डन करें, सेम उसी तरह से आपको फिर से यहाँ पर जाना है एंड क्रिएट पेस्ट पे क्लिक करना है। कुछ भी आपको इसका नाम दे देना एंड यहाँ से कर ले डन। डन करने के बाद इसे फिर से यहाँ क्लिक करें, सेम उसी प्रकार से क्रिएट कर चुका हूँ। तीस को मैं करके दिखाता हूँ, क्रिएट पेस्ट पे क्लिक करें, इसका भी कुछ नॉर्मल सा नाम दे दें एंड इसे कर ले डन, ऐसे कर कर दे सेव। और तो मैं बता देता हूँ कि एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ से अगर अप्लाई करना है तो फोटो को सेलेक्ट करें एंड आपको यहाँ से जाना है प्रीसेट्स वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से जो मैंने फाइल बना चुका था पहले से बनाया हुआ है वो नाम था लाइटरूम प्रीसेट्स के अंदर में मेरा सारा ऐड हो चुका था। यहाँ से क्लिक करते ही मेरा जो था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होते जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा कि ये मैं कैसे कर सकते एक जगह पे इस तरह से,